आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना में अग्निपथ योजना की घोषणा की, जिसके तहत कम समय के लिए नियुक्तियां होंगी। योजना के मुताबिक भारतीय सेना में 4 सालों के लिए युवाओं की भर्तियां होंगी। नौकरी के बाद उन्हें सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। उनका नाम होगा अग्निवीर। पिछले कुछ सालों में सेना में भर्तियां रुकी हुई थीं, जिसे लेकर सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे। पूछने वालों में कई युवा थे, जिनके लिए सेना में भर्ती जीवन का बड़ा सपना और नौकरी का महत्वपूर्ण जरिया होता है। सरकार ने अपनी घोषणा में दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में अग्निवीरों को पैकेज दिए जाने की बात भी की। राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना को सेना को आधुनिक कायापलट कर देने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना से नौकरी के मौके बढ़ेंगे और सेवा के दौरान अर्जित हुनर और अनुभव उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी भी उपलब्ध कराएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अग्निपथ योजना भारतीय सेना की शक्ल बदल देगी? सरकार की माने तो योजना का मकसद युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना मजबूत करना, भारतीय सेना के चेहरे को युवा शक्ल देना, युवाओं को भारतीय सेना में सेवा देने की आकांक्षा को पूरा करना है। योजना के आलोचक इसे एक गलत कदम बता रहे हैं, जो भारतीय सेना के परंपरागत स्वरूप से छेड़खानी कर रहा है और जिससे सैनिकों के हौसले पर असर पड़ सकता है। रिटायर्ड मेजर जनरल शिवनान सिंह इसे मूर्खतापूर्ण कदम बताते हैं और कहते हैं, पैसा बचाना अच्छा है, लेकिन इसे रक्षा सेना की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। माना जा रहा है कि इस सरकारी कदम का मकसद भारतीय सेना पर वेतन और पेंशन के बोझ को कम करना है। भारतीय सेना का नवीनीकरण कैसे किया जाए, इस पर बहस लंबे समय से चलती रही है। भारतीय सेना में 68% उपकरण पुराने हैं, 24% उपकरण आज के और 8% स्टेट ऑफ द आर्ट कैटेगरी के हैं। वजह साफ है, साल 2021-22 में रक्षा बजट का 54% तनख्वाहों और पेंशन पर खर्च हुआ था, 27% कैपिटल खर्च पर, यानी नए कामों को अंजाम देने में। बाकी का खर्च स्टोर उपकरणों की देखभाल, सीमा पर सड़कें, रिसर्च प्रबंधन पर हुआ। सरकार की घोषणा ऐसे वक्त पर आई है जब देश में नौकरी का न मिलना एक बड़ी समस्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था CMIE के महेश व्यास के मुताबिक, भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, क्योंकि जिस स्तर पर लोगों को नौकरी की जरूरत है, रोजगार उस तेजी से नहीं बढ़ रहा है। रिटायर्ड मेजर जनरल शिवनान सिंह के मुताबिक, भारतीय सेना में किसी का 4 साल के लिए शामिल होना बहुत कम समय है, और अगर ये अच्छा आइडिया था तो इसे चरणों में लागू किया जाना चाहिए था। चिंता ये भी है कि इतने कम वक्त में कोई युवा मिलिट्री ढांचे स्वभाव से खुद को कैसे जोड़ पाएगा। वो कहते हैं कि अगर आप युद्ध में किसी अनुभवी सैनिक के साथ जाते हैं, तो उसकी मौत पर क्या 4 साल की ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति उसकी जगह ले पाएगा? ये काम ऐसे नहीं होते, इससे सुरक्षा बलों की कुशलता पर असर पड़ता है। उधर रिटायर्ड मेजर जनरल SB अस्थाना के मुताबिक, सरकार के इस कदम से भारतीय सेना की प्रोफाइल 6 साल कम हो जाएगी, जिससे उसे फायदा होगा। वो कहते हैं, अगर आप लोगों को ITI से लेते हैं तो वो तकनीकी रूप से अच्छे होंगे, पुराने लोगों को तकनीकी तौर पर सशक्त करना मुश्किल होता है, ये पीढ़ी तकनीकी मामले में ज्यादा सक्षम है। वो कहते हैं, अभी हमारा सिस्टम है कि अगर कोई जवान भर्ती हो गया और उसके बारे में लगा कि वो ठीक नहीं है, तो जब तक उसके खिलाफ अनुशासन या अक्षमता का केस न चलाया जाए, उसे नहीं निकाला जा सकता। अग्निपथ योजना के आलोचकों का कहना है कि सेना में ट्रेनिंग लिया हुआ 21 साल का बेरोजगार नौजवान गलत रास्ते पर जाकर अपनी ट्रेनिंग का गलत इस्तेमाल करके समाज के लिए मुश्किल भी पैदा कर सकता है। रिटायर्ड मेजर जनरल शिवनान सिंह पूछते हैं कि 21 साल का 10वीं या 12वीं पास बेरोजगार नौजवान रोजगार के लिए कहां जाएगा? उनकी राय है कि युवाओं को 11 साल के लिए सेना में शामिल किया जाए, ताकि वो कम से कम 8 साल तक अपनी सेवाएं दे सकें और 8 साल बाद उन्हें आधी पेंशन देकर जाने दिया जाए। वहीं रिटायर्ड मेजर जनरल SP अस्थाना का मानना है कि 21 साल के ग्रेजुएशन वाले युवा और अग्निवीर नौकरी ढूंढते वक्त बहुत अलग स्तर पर नहीं होंगे, क्योंकि अग्निवीर के हुनर उसे दूसरों से अलग बनाएंगे। रिटायर्ड मेजर जनरल SB अस्थाना ने बातचीत में कहा कि ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार की अग्निपथ योजना का मॉडल कहीं और ट्राई नहीं किया गया। वो इसके लिए इसराइल का उदाहरण देते हैं। इसराइल में क्या स्थिति है, इस बारे में यरूशलम में पत्रकार हरेंद्र मिश्र बताते हैं कि वहां हर युवा को 18 साल में अनिवार्य ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और उस ट्रेनिंग के लिए उन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिलती, क्योंकि इसे देश सेवा के भाव के तौर पर देखा जाता है, न कि नौकरी के तौर पर। महिलाओं के लिए ये ट्रेनिंग 2 साल की होती है, जबकि पुरुषों के लिए 4 साल की। इस ट्रेनिंग के दौरान मात्र जेब खर्च दिया जाता है। चूंकि ये ट्रेनिंग सभी को करनी पड़ती है, तो ऐसा नहीं होता कि ट्रेनिंग के बाद पढ़ाई में कोई आगे निकल गया हो।